हमारी कड़कनाथ फीमेल और इसकी आँख में हो गया करोजा वायरस। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी आँख का कितना बुरा हाल हो गया है। जो इसकी पलक होती है ये वायरस जो होता है मुर्गी की आँख की जो पलक होती है इसके अंदर होता है। देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बहुत सस्ता और बहुत ईजी है और आसान है। तो आपको लेनी है कटोरी, कटोरी लेने के बाद और दोस्तों ये हमारे पास है बोरिक एसिड जो 10 रुपये का कहीं पे भी वेटरनरी शॉप से मिल जाता है, तो हमें ये लेना है। और इसको लेने के बाद हमको थोड़ा सा लेना है हमको बोरिक एसिड। तो दोस्तों हमने ये बोरिक एसिड ले लिया है, इतना आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा ही लेना है। अब बोरिक एसिड लेना है, उसमें थोड़ा सा मिलाना है हमको पानी 2-4 बूंदे और उसके बाद हमको लेना है थोड़ा कॉटन और इसको ऐसे मिक्स करना है हमको कॉटन से। और ये कॉटन जो इस पानी को बोरिक एसिड वाले को एब्जॉर्ब कर लेगी। थोड़ा पानी और ले लेता हूँ दोस्तों। पानी ऐसे, ये हमारे फार्मिंग के ही बर्तन हैं, आप कभी इसमें कोई कमेंट करें मैं लगा सकता हूँ इनको। तो दोस्तों बोरिक एसिड हमने ले लिया है। तो दोस्तों अब इसको बोरिक एसिड को रख देते हैं इधर और अब हम मुर्गी की आँख को थोड़ा करते हैं बहुत बोरिक एसिड से। अगर हमारे पास 2 बंदे होते तो काफ़ी अच्छी इजी रहता ट्रीटमेंट के लिए, कोई बात नहीं है मैं अकेला कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसको हमको ऐसे करना है साफ बोरिक एसिड से। ये स्वेलिंग भी आ रही है, इसकी खोपड़ी पर स्वेलिंग आ गई है। ये कोरोना वायरस खतरनाक तो है नहीं पर बीमारी तो कोई भी हो डेंजर ही होती है। तो ऐसे पूरे बोरिक एसिड से इसको वॉश करना है। यूट्यूब पे अब तक कोई वीडियो नहीं है जो किसी ने ट्रीटमेंट करते कोरोना वायरस का को देखा हो। तो ऐसे इसको इसकी आई को यूज़ करनी है और ये वाइट जो आईज के नीचे होता है वाइट वाइट दोस्तों देखते हैं। अभी ये हमारी कड़कनाथ मुर्गी है 4.5 बंद की, इसकी मैं अच्छे से वॉश कर देता हूँ। पेन तो इसको हो रहा होगा पर क्या करें, इसको सही करना है तो पेन तो थोड़ा इसको सहना पड़ेगा दोस्तों। इससे ही सही होगी, कोई भी मेडिसिन दे दो आप, B90 भी दे दी, ओक्लिन सिरप भी दे दिया, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसकी हम दूसरी भी आईज कर देते हैं साफ, वैसे तो उसमें हो नहीं रहा, एक आईज में ही है। तो लो हम दूसरी भी आईज की उसकी क्लोज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो करली पे भी मार देता हूँ थोड़ा। पलक ये जो पलक होती है हमारे चिकन की उसके अंदर ही बनता है वायरस। और इस वायरस का जो सिस्टम होते हैं दोस्तों, इस वायरस से हमारी चिक्स की जो आँख होती है वो कुछ दिन तो सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उस पर और 3-4 दिन के बाद आइस बंद हो जाती है और चिक्स खाना और पीना बंद कर देता है और उसका वेट लॉस हो जाता है, लूज हो जाता है। और कुछ दिन के बाद उसकी आइस में सफ़ेद सफ़ेद पनीर जैसा बन जाता है वाइट वाइट। तो दोस्तों हमें उसको सफ़ेद सफ़ेद से को निकालना है और बोरिक एसिड से आइस को वॉश करना है दिन में 2 बार सुबह और शाम। 3 दिन अगर मैं इसको करूँगा तो इसकी आइस एकदम सही हो जाएगी और ये अच्छी तरह सर्वाइव कर लेगा। इतना बड़ा काम नहीं है दोस्तों, 10 रुपये का ट्रीटमेंट है। अगर हम इसको बोलेंगे कि सियाँ ख़राब हो गई इसको फेंक दो कहीं पर डाल दो तो वो गलत है। आप ग्लव्स पहन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा तो काम है, मैं तो कुछ टेंशन लेता नहीं है तो मैं तो कर देता हूँ ऐसे ही। अब देखो तो दोस्तों देखो अब इसकी आँख बहुत हो चुकी है, अब इसको बहुत आराम मिलेगा वरना ये तो मरी जाएंगे ऐसे 5-7 दिन जब खाना पीना बंद कर देंगे। तो लो दोस्तों हमारी कड़कनाथ मुर्गी तैयार हो चुकी है, अब इसकी आईज 3-4 दिन में सही हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है चिक्स को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको हम ट्रीटमेंट बताएंगे, कोई मेडिसिन अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम चले तो वो भी बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, थैंक यू गाइस।